हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता जेमी रेसिपीज़। आज हम एक गोवा की ट्रेडिशनल रेसिपी बनाएंगे जो कि क्रिसमस में बनाई जाती है और उसका नाम है कलकल। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर से देखें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कप मैदा लिया है, इसमें 1/4 कप जितना बारीक रवा ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं करीब 3 से 4 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ। घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ब्रेड क्रम जैसा कंसिस्टेंसी लाना है। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, बाइंडिंग होना चाहिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पिंच जितना नमक ऐड कर रही हूँ। कोई भी स्वीट चीज़ में हल्का सा सॉल्ट ऐड कर ले तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। करीब 3 से 4 ड्रॉप्स वैनिला एसेंस और 1/4 कप जितना शुगर पाउडर। इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हमें इसका आटा लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। ट्रेडिशनली इसमें नारियल का दूध इस्तेमाल होता है, मैंने यहाँ पे प्लेन मिल्क लिया है। इसे हमें न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड ऐसा आटा लगाना है। अगर आप एग्स खाते हो तो इसमें अंडा भी मिलाया जाता है। अब इस आटे को हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यह रेस्ट हो चुका है, अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम बिस्किट के जैसे लगते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर से बनाना। अब हम इसे एक सिलेंड्रिकल जैसा शेप दे देंगे। अब हमें एक फोक लेना है, उसे उल्टा करके हमें यही सिलेंड्रिकल आटा रखना है और उसे एक तरफ से रोल करना है और उसके साइड्स बंद कर देने हैं। अब देखिए कितना सुंदर शेप आया है। ऐसे ही हमें सारे रेडी कर देने हैं कलकल। ऐसे इसमें न्यू कोम्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है, कोम्ब के ऊपर रख के बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने सारे ही कलकल बना लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और स्लो फ्लेम पे ही हमें सारे कलकल को डीप फ्राई कर लेना है। फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, करीब 5 से 6 मिनट लगती है। तो अभी हमारे कलकल रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसके ऊपर टी स्ट्रेनर की हेल्प से पाउडर शुगर स्प्रिंकल करेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता लगते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको ये ज़रूर से पसंद आएंगे। ये चाय के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर पे ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।